नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। 12 अक्टूबर बुधवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज कई राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। आज कई राशि के जातकों को कारोबार में धन लाभ की संभावना है। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसे रहेगा आज का दिन। मेष राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आज आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व और लेन देन कौशल के कारण सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। स्थान परिवर्तन से जुड़ा यह उत्तम योग बनता जा रहा है। युवा अपने करियर को लेकर काफी गंभीर रहेंगे। ध्यान रखें कि कभी कभी आलस्य आपके कुछ महत्वपूर्ण कामों को रोक सकता है, यानी वो अपनी कार्य क्षमता का मनोबल बनाए रखेंगे, किसी से विवाद में ना पड़े। साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभकारी स्थिति बनेगी। एलर्जी मौजूदा माहौल के कारण एक उपद्रव हो सकता है। वृषभ राशि, गणेश जी वृषभ राशि वालों से कह रहे हैं कि आज आप पारिवारिक और व्यवसायिक गतिविधियों में अच्छा संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ भी इस समय एक महत्वपूर्ण संभावना बनती जा रही है। आप पूरे प्रयास के साथ अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम को आज टालें। कोई भी पेपर वर्क करते समय उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। किसी को पैसा उधार देने से पहले उसे चुकाने की तारीख तय कर लें। आपकी गतिविधियों में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपकी चिंता को कम कर सकता है। ब्यूटी फैशन और खान पान और फल सब्जियों के कारोबार से जुड़े लोगों को आज खूब लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आज का अधिकांश समय घर के रखरखाव में व्यतीत होगा। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने और उनका मार्गदर्शन करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी किसी कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय खर्चा अधिक रहेगा, किसी करीबी से अनबन हो सकती है। व्यवसाय में किसी नई कार्य योजना पे गंभीरता से कार्य करें। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है। जो लोग बीमार हैं उनकी सेहत में भी सुधार होगा। कला और लेखन से जुड़े लोगों का काम बेहतर होगा। कर्क राशि, गणेश जी कर्क राशि वालों से कह रहे हैं कि आज अचानक से कोई असंभव कार्य संभव होने पर मन में प्रसन्नता रहेगी। कारोबार में आज तेजी का रुख होगा और लाभ पाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी भी दूर हो सकती है। अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। अपने जरूरी और जरूरी पेपर सेव कर ले। दूसरों पर निर्भर रहने से नुकसान होने की संभावना है। आपके गुस्से के नखरे कुछ रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लोग अपनी कार्यशैली, दिनचर्या और खान पान को लेकर विशेष रूप से जागरूक रहेंगे। सिंह राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि समय आपके लिए अनुकूल है। घर के बड़ों की सलाह और अनुभव का पालन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको जीवन के सकारात्मक स्तर के साथ आमने सामने आने का अवसर भी मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी परिणाम के मामले में सावधानी बरतें। पति पत्नी की भी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो सकता है। जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। कन्या राशि, गणेश जी कन्या राशि वालों से कह रहे हैं कि आज का दिन किसी खास व्यक्ति से लाभकारी रहेगा। ये भी उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही किसी भी चिंता का समाधान हो जाएगा। आप अपने विचारों और दैनिक दिनचर्या में जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं वो मन की तरह ही सफल होगा। किसी करीबी की इसलिए समाज और रिश्तेदारों में आपकी आलोचना और बदनामी करने की कोशिश कर सकती है। मन के अनुसार सफलता प्राप्त की जा सकती है। व्यवसाय में कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है। तुला राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों के साथ लाभकारी संपर्क होगा, तो आपकी सोच में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई अटका हुआ काम पूरा करने से चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में सही परिणाम मिलेगा। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हर स्तर के बारे में अच्छी तरह सोच ले। नकारात्मक गतिविधियों वाले लोगों से दूर रहे। किसी पर ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक होगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी वृश्चिक राशि वालों से कह रहे हैं कि आप काम के बावजूद रिश्ते और दोस्तों के संपर्क में रहेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी वरिष्ठ जन से बातचीत भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही कोई चिंता दूर होगी। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर किसी से विवाद और तनाव हो सकता है। ऐसे आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। घर में मेहमानों के आने से कोई जरूरी काम रुक सकता है। व्यवसाय वांछित परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद करता है।
घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, आपका योगदान बनाने में ये चीज खास बनाए रखेगा। धनुराशि, धनुराशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व भी सकारात्मक रूप से बदलेगा। आप सभी काम सोच समझ कर करें और शांति से पूरा करने का प्रयास करें। दूसरे लोगों के मामले में ज्यादा दखल न दें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी के कारण तनाव हो सकता है। सर्वाइकल और मांसपेशियों में दर्द परेशान कर सकता है। मकर राशि, गणेश जी मकर राशि वालों से कह रहे हैं कि आज आप अपना समय सामाजिक कार्यों में सुधार कार्यों में व्यतीत करेंगे। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ यात्रा करना फायदेमंद होगा। कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। आज आपको व्यापार में नए ऑर्डर और अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आपके काम की वजह से आपके जीवन साथी का परिवार के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक काम के बोझ से माइग्रेन का सिरदर्द हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि कोई अटकी हुई संपत्ति के मामले में सफलता की उम्मीद है। कोई महत्वपूर्ण समाचार भी प्राप्त होगा। किसी प्रिय मित्र से अचानक मुलाकात से मन में प्रसन्नता आएगी। वाहन संबंधी खरीदारी भी एक अच्छा योग है। किसी के साथ संवाद करते समय सही शब्दों का प्रयोग करें। क्रोध किसी और को आहत कर सकता है। किसी वरिष्ठ का सहयोग आपको अपने प्रयासों में सफलता मिला सकती है। विवाह में उचित सामंजस्य बना रहेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण थकान और कमजोरी हो सकती है। मीन राशि, गणेश जी मीन राशि वालों से कह रहे हैं कि घर में खास मेहमानों के आने से दिन में व्यस्त हो सकता है। उपहारों के आदान प्रदान से घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। बच्चों के चेहरे से कोई शुभ सूचना मिलने से उत्सव का माहौल बनेगा। खर्च अधिक होगा, इसलिए अनावश्यक चीजों पर नियंत्रण रखें। आप अपनी नौकरी से काम करते रहे। आज आप व्यवसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।